हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन ई लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार तथा सम्मान। जितने भी इम्पोर्टेंट 2021 के पुरस्कार और सम्मान हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड हॉनर्स। तो पहला है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया गया है। नेक्स्ट है किड ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है। तो किड ऑफ द 2020 ये गीतांजलि राव को दिया गया है। नेक्स्ट है 57वीं मिस इंडिया 2021 किसे दिया गया है। तो ये वंशा वाराणसी को दिया गया है। इनका नाम मनसा वाराणसी है लेकिन ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। मनसा वाराणसी जिसे 57वीं मिस इंडिया 2021 से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 69वीं मिस यूनिवर्स किसे घोषित किया गया है। तो 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है मेक्सिको की एंड्रिस मेजा। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 30वां व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पागरे को 30वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अकितम अच्युतन नमूद्री को। अकितम अच्युतन नमूद्री को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है रतन टाटा को इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया है रजनीकांत। नेक्स्ट है 30वां बिहार पुरस्कार है वो मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 30वां जी डी बिरला पुरस्कार है वो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जिन्हें 30वां जी डी बिरला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 31वां सरला पुरस्कार है वो ओडिया कवि नित्यानंद नायक को 31वां सरला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार 2020 तो ये प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार है 2020 वो दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड जो साइट्रैक्स घोषित करती है या इसकी बेस्ट जो रैंकिंग घोषित करती है स्काईट्रैक्स नामक, ये बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। नेक्स्ट है तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। जो तिलक नेशनल अवार्ड 2021 है वो दिया गया है साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2021 किसे घोषित किया गया है। तो मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मोहन बागवान रत्न दिया गया है शिवाजी बनर्जी को मोहन बागवान रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एम गवर्नमेंट सर्विस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ये एक ऐप को दिया गया है जो ऐप है उमंग ऐप, इसे सर्वश्रेष्ठ एम गवर्नमेंट सर्विस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है
कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो जो कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। जो टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है ये दिया गया है श्रीनिवास कर्णम व प्रोफेसर सुब्रत को। ये दो लोगों को दिया गया है, जो श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रत। नेक्स्ट है भारत भारती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो जो भारत भारती पुरस्कार 2020 है ये दिया गया है डॉक्टर सूर्यवाला को। डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार दिया गया है दुती चंद को। नेक्स्ट है युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 है वो हेल्प एज इंडिया को दिया गया है, हेल्प एज इंडिया। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है राजकमल झा को। नेक्स्ट है सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ओमान के सुल्तान रहे काबुल बिन सईद को मरणोपरांत तथा भारत के कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को। जो सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 है ये दो लोगों को दिया गया है, एक तो ओमान के सुल्तान रह चुके जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है काबुल बिन सईद को, और भारत के एक कोरियोग्राफर हैं संदीप सोपारकर को। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो जो गांधी पीस प्राइज 2020 है ये क्यूबास बिन सईद को, जो ओमान के रहने वाले हैं उनको दिया गया। नेक्स्ट है ओलंपिक लॉरेल अवार्ड 2020। जो ओलंपिक लॉरेल अवार्ड 2020 है ये दिया गया है मोहम्मद यूनिस को, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 ये दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। तो जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 है ये महाराष्ट्र के रहने वाले रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया। नेक्स्ट है कलिंगा रत्न सम्मान, जो कलिंगा रत्न सम्मान है ये दिया गया है विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंगा रत्न सम्मान से सम्मान किया गया। नेक्स्ट है ई पंचायती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020। जो गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 है ये दिया गया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को दिया गया। नेक्स्ट है गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो गांधी नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020। तो जो CII ICT सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 है ये भी सेल को दिया गया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है शकुंतला हरक सिंह जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो फूड सिस्टम विजन 2050 है ये नदी फाउंडेशन को दिया गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 दिया गया है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार दिया गया है अमर सेन को। नेक्स्ट है वर्ल्ड
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये दिया गया है रुमाना सिंह को। नेक्स्ट है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड, जो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड है वो दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। देवी शंकर अवस्थी अवार्ड आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है वो दिया गया है कीर्ति कारनाथ को। वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है कीर्ति कारनाथ को दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है ये दिया गया है सुरेश मुकुंद को। नेक्स्ट है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है ये दिया गया है इरिडा को, IREDA इरिडा, इरिडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है ये दिया गया है रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डाइजेस्टर मैनेजमेंट अवार्ड, तो जो सुभाष चंद्र बोस डाइजेस्टर मैनेजमेंट अवार्ड है ये दिया गया है राजेंद्र कुमार भादारी को। राजेंद्र कुमार भादारी को सुभाष चंद्र बोस डाइजेस्टर मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बैंकर ऑफ द ईयर, बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हैं श्याम श्रीनिवासन, श्याम श्रीनिवासन को बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? जो तानसेन सम्मान थे दिया गया है पंडित सतीश व्यास को, पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो कायाकल्प अवार्ड दिया गया है जो एम्स भुवनेश्वर है उसे कायाकल्प अवार्ड से सम्मान किया गया है। नेक्स्ट है इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड, तो जो इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड है ये दिया गया है बीके यादव, जो रेलवे के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 है ये दिया गया है हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट है यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, जो यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड है ये दिया गया है विद्युत मोहन को। नेक्स्ट है आदित्य विक्रम बिरला काल शिखर पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नसरुद्दीन शाह को। थैंक यू, इसको इस वीडियो को एक दो बार देखें याद हो जाएगा। थैंक यू।